व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर और स्वागत आप सभी का इस SQLite Python विद डेटाबेस के कोर्स में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आपको पता हो तो हम इस कोर्स के अंदर पहले भी दो वीडियोस, अगर आप इस कोर्स में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहले ही हम इस कोर्स में दो वीडियोज ऐड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और उसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि कैसे हम लोग जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे हम कनेक्शन फंक्शन का इस्तेमाल कर अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। हमने एक स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो नाम का डेटाबेस बनाया था और हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर गए थे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे ताकि डेटा जो है वो स्टोर हो सके। मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, रोज और कॉलम्स होती है हमारे पास, उसकी फॉर्म में जो हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का अगर हमें कोई काम परफॉर्म कराना है डेटाबेस के साथ तो हमें क्या करना पड़ता है, कर्सर बनाना पड़ता है। अब ये कर्सर क्या है, मान लीजिए कि आपको क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर अलग अलग डेटा को स्टोर करवाना है। रजिस्टर मतलब कि आपका कोई जो पेज वाला रजिस्टर होता है उसके ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है सभी स्टूडेंट्स का नाम, सभी स्टूडेंट्स का रोल नंबर। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एक पेन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। पेन की मदद से ही आप वो सब कुछ कर सकेंगे। उसी प्रकार हमारे पास जो डिजिटल डेटाबेस है, जैसे कि हम SQLite 3 की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवाना है या किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, चाहे वो डिलीटिंग ऑपरेशन हो, एडिशन ऑपरेशन, सॉरी इंसर्टिंग ऑपरेशन, किसी भी तरह का अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है अपने डेटाबेस के टेबल के साथ, तो हमें कर्सर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पास कर्सर है वो एक पेन है जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कर्सर बनाना पड़ेगा। तो कर्सर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा सी नाम का। मैं लिखूंगा सी इक्वल टू सी ओ डब्ल एन डॉट कर्सर। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। तो यही फायदा है आईडी इस्तेमाल करने का। तो अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कनेक्शन क्रिएट किया था सी ओ डब्ल एम नाम का वेरिएबल बनाकर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे कनेक्शन को और इसी के अंदर एक फंक्शन होता है हमारे पास कर्सर नाम का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्सर बना दिया। अब मुझे किसी भी तरह का कोई काम परफॉर्म कराना अगर, तो मैं इस कर्सर की मदद से ही परफॉर्म कराऊंगा। मतलब अगर डेटाबेस के अंदर मुझे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, अपडेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, किसी भी तरह का अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो मैं इस कर्सर की मदद से ही परफॉर्म करवाने वाला हूं। तो ये मेरा कर्सर बन चुका है। और दूसरी बात आ जाती है कि हमें क्या करना होता है, SQLite के अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं, जैसे इंसर्ट करने के लिए अलग कमांड होती है, डिलीट करने के लिए अलग कमांड होती हैं। और जब हमें अलग अलग कमांड्स देनी है अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो हमें उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है एग्जीक्यूट फंक्शन का, ठीक है। तो कर्सर की मदद से हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग कमांड्स देंगे ताकि अलग अलग क्या हो सके, टास्क जो है वो परफॉर्म हो सके। तो यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए मैं एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट एग्जीक्यूट, जो कि एक फंक्शन है, इसकी मदद से हम अलग अलग कमांड्स देते हैं। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूट है, इसके अंदर हम SQL की कोई भी कमांड देंगे और वही काम हमारे डेटाबेस के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ट्रिपल डबल कोट्स डाल रहा हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम पाइथन में SQLite का इस्तेमाल करेंगे, उनमें दो कमांड्स जो होंगी हमारी, जैसे कि इंसर्ट इनटू कमांड और अपडेट कमांड, ये दो कमांड्स आपको हमेशा डबल ट्रिपल कोट्स के अंदर ही देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं कौन सी कमांड का इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको टेबल का नाम दे देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे रहा हूँ माय अंडरस्कोर डेटा। तो मैं अपने इंटरप्रेटर को कह रहा हूँ कि मेरे डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना दो जिसका नाम है माय अंडरस्कोर डेटा। और अब इस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से रहेंगे, मतलब अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे नेम होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है ना। तो वो लिखेंगे यहाँ पे हम, जैसे अब नेम है तो नेम एक एट्रीब्यूट रहेगा। अब इस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या रहेगा, हमारे पास होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो है SQLite के अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वेर कैर होता है एक, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा, उस तरह हमारे पास यहाँ पे इंट होगा, उस तरह हमारे पास एक और भी होता है, उसी तरह हमारे पास और भी कई तरह के डेटाबेसेस हैं, सॉरी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास SQLite के अंदर। बट बेसिकली इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा टाइप्स हमारे पास यही होते हैं। तो बेसिकली ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपकी मतलब टेबल क्रिएट किया जाएगा, उस टेबल के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनका डेटा टाइप कैसा होगा। जैसे अब नेम की बात करें तो ऑब्वियसली नेम तो हमारा टेक्स्ट ही होगा। उसी के साथ साथ अगर हम उसकी बात करें, अगर हम मोबाइल नंबर की, तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो होगा हमारा इंटीजर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रिएट टेबल कमांड दी और मैंने कहा कि टेबल क्रिएट कर दो माई अंडरस्कोर डेटा नाम का, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा टेबल का एट्रीब्यूट क्या रहेगा, जैसे नेम एट्रीब्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये नेम एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या रहेगा, तो उसका डेटा टाइप रहे टेक्स्ट, कोमा लगाना है, मुझे आगे मूव करना है। उसी के साथ साथ मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है,
उसके लिए मैं यहाँ पे रोल दे दूंगा। रोल के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, रोल नंबर की जो मेरी डेटा टाइप रहेगी वो इंटीजर टाइप का रहेगा, इंट लिख दिया यहाँ पे मैंने। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं STU_name कर देता हूँ यहाँ पे, मैं STU_name रोल। उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की जो ई मेल आई डी है उसको भी इनपुट लेना है। तो ई मेल भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई मेल, जो ई मेल रहेगी वो मेरी वेरकैर रहेगी। वेरकैर का मतलब है जिसमें करेक्टर्स और अलग अलग तरह के स्पेशल करेक्टर्स भी इंक्लूडेड हो। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक एड्रेस का बना रहा हूँ, STU_ एड्रेस बनाएंगे हम, जो मेरा क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। तो सिंपली इस कमांड को जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि होगा क्या सिंपली। और उसके साथ साथ मुझे एक काम और करना है, मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह का कोई काम परफॉर्म कराते हैं डेटाबेस के अंदर, तो आपको वो काम सेव रहे, आपको क्या करना है वो चेंजेस जो सेव रहे उसके लिए कनेक्शन को कमिट जरूर कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड दी, आपको कमांड ध्यान से देखना है, क्रिएट टेबल, मुझे एक टेबल बना दो my_data नाम का। इस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट रहेंगे, STU_name जो कि एक टेक्स्ट रहेगा, रोल नंबर जो कि मेरा एक रहेगा इंटीजर, ईमेल जो कि एक वेरकैर रहेगा, स्टूडेंट का एड्रेस जो भी एक मेरा टेक्स्ट रहेगा। और सिंपली मैं जब इस कमांड को यहाँ जब मैं इसे सेव करके यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रन करूँगा, तो आप देखेंगे रन करने के बाद, तो थोड़ा टाइम लेगा फॉर एनी रीज़न, बट आप देखेंगे कि हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कुछ हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली हमें दिखाई नहीं देगा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक DB ब्राउज़र नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा SQLite के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे जो DB ब्राउज़र फॉर SQLite है इसको ओपन करूँगा मैं। इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा टाइम ले रहा ओपन होने में। फॉर एनी रीज़न जैसे थोड़ा टाइम ले रहा ओपन होने में, जैसे ही ओपन होगा तो आपको मैं बताऊंगा कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो टेबल जो हमारा वो क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए, ये तो मेरे हिसाब से ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद फाइल ओपन डेटाबेस के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मेरा जो डेटाबेस है वो पड़ा है जो मैंने अभी क्रिएट किया, उसमें टेबल क्रिएट किया जो मैंने, तो वो मेरा पड़ा है यहाँ पे SQLite के कोड के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे जाने के बाद मैं ऐसे क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, आप देखिए यहाँ पे आ रहा है table 1, और ये टेबल जो कौन सा क्रिएटेड है, देखिए मेरे पास एक my_data नाम का जो वो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर देखिए एट्रीब्यूट्स भी आ चुके हैं, student_name, रोल नंबर, ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस। तो फाइनली हमने देखा कि कैसे हम लोगों ने टेबल को क्रिएट कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई कि हमने टेबल कैसे क्रिएट किया। मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले कोई भी हमें काम परफॉर्म करवाना है तो हमें कर्सर बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएटेड अ कर्सर। आप कुछ इस तरह से याद रखिए कि हमने एक पेन बनाया है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर सभी तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे हम कॉपी के ऊपर पेन की मदद से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसी तरह डेटाबेस के अंदर अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हमें कर्सर बनाना पड़ेगा। उसके बाद कर्सर के मदद से ही हम एग्जीक्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर अलग अलग कमांड्स देंगे, उन कमांड्स को परफॉर्म करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, आप देख सकते हैं इस टेबल का नाम है my_data। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वही हमारे पास बना है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ईमेल और एड्रेस। तो मैं आशा करता हूँ कुछ ऐसी समझ आएगी कैसे हम लोगों ने एक टेबल बनाया। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स रहेगा ये, कि किस तरह से हम टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है।